जय हिंद साथियों, आज अपने इस मार्कोस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा मेरे विद्यार्थी जीवन के बारे में। आज साथियों, बहुत आपके साथ शेयर करने का मन था हमारा ये बात, और मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, यानी जब मैं 10th 11th में पढ़ता था, तो मुझे याद है एक ऐसी घटना जो आज आप सभी खुश हो जाओगे सुन के। सबसे पहले साथियों, विद्यार्थी जीवन की कहानी सबकी होती है, और जब जवानी की कहानी ना हो तो जवानी बेकार है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत अहम चीज़। स्कूल में हमारी जलवा हुआ करती थी। मैं आपको बता रहा हूँ अपने विद्यालय की कहानी। जब मैं छोटा था, मेरी स्कूल में जलवा हुआ करती थी, मेरी काफ़ी नाम थी, लड़कियाँ दूसरे से नाम में पूछा करती थी हमारा। एक बार की बात है, जब मैं लंच करने जा रहा था तो कुछ लड़कियां आती हैं और उसमें से एक लड़कियां कहती है कि मैं आपसे प्यार करती हूं। अब गौर फरमाइएगा, कहानी यहां से टर्न ले लिया है। मैंने भी कह दिया कि मरे तो लाखों हैं हमारे पीछे, मरे तो लाखों हैं हमारे पीछे, मैं तेरे साथ जीना चाहता हूँ, मुझे पाने की जिद ना करो, मुझे पाने की जिद ना करो, मैं किसी और का छोड़ा हुआ मोहब्बत हूँ। इसके बाद क्या होता है, तो मैं देखा कि एक लड़की 10 मीटर दूर पे खड़ी है, और शायद वो भी मेरे से प्यार करती थी। जब यह सुनी तो वो भी उदास हो गई। तो मैंने उस पर भी एक शायरी कहा। क्या कहा, ध्यान से सुनना, गौर फरमाइएगा। कहा कि यूं पानी में पत्थर ना मारा करो, यो पानी में पत्थर ना मारा करो, उसे भी कोई पीता होगा, तुम यूँ उदास ना रहा करो, तुम ऐसे उदास ना रहा करो, क्योंकि तुम्हें देख के कोई और भी जीता होगा। साथियों, अब क्या होता है कि उधर से सर और मैडम आते रहते हैं विद्यालय में, तो आपको पता ही है। तो सर जब हमें शायरी बोलते हुए देखते हैं तो वो भी एक शायरी कहते हैं कि प्यार तुमने भी किया, प्यार मैंने भी किया, प्यार तुमने भी किया, प्यार मैंने भी किया, फर्क बस इतना ही था कि तुमने छात्रा से किया और मैंने मैडम से किया। भाइयों, ये स्कूल की कहानी है। अब मैडम आ जाती है जोश में, मैडम मचल उठती है, मैडम बोलती है ख्वाहिश इतनी है, ख्वाहिश इतनी है कि कुछ ऐसे मेरे नसीब में हो, ख्वाहिश इतनी है कि कुछ ऐसा मेरे नसीब में हो, वक्त चाहे जैसा भी हो, बस तू मेरे करीब में हो। सर को बोलती है मैडम, क्या बोलती है, वक्त चाहे जैसा भी हो, बस तू मेरे करीब में हो। अब सर को लग गया बुरा, सर हमारे सामने खड़े थे, तो सर बोलते हैं बहुत मार मारा। अब साथियों, ये विद्यालय की कहानी थी। अब आगे बढ़ते हैं 1815। ये इंटरटेन करना आपको ज़रूरी था, ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ नहीं है, क्योंकि इतने स्मार्ट तो हम हैं नहीं। और हम आगे बात करते हैं, चर्चा करते हैं 1815 के कट ऑफ के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं प्रतिदिन गर्दनी बाग जाया करता था, जिस समय बहाली हुआ करती थी, और पर डे की एनालिसिस इसलिए जाके पता करता था क्योंकि आज हमें कट ऑफ बनाने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको मैं सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आपकी रिजल्ट आने वाली है। और आप सभी को धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत विश्वास और भरोसा बनाया है मार्कोस टीम के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी कहूँगा बिल्कुल सच कहूँगा, और आपको आपके कट ऑफ एकदम एक्चुअल कट ऑफ मैं बोल दिया, यानी कि सेम टू सेम कट ऑफ, याद रखना, सेम टू सेम कट ऑफ आपको देने जा रहा हूँ आज अपने चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले उम्मीद है आप सभी तैयार होंगे। हम स्टार्ट करते हैं मेल कैंडिडेट से, यानी मेल कैंडिडेट जो भी है जनरल वाले, यानी ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, अदर स्टेट वाले और जनरल वाले, अदर स्टेट और जनरल वाले। उसका 76 नंबर कट ऑफ जाने वाला है। कितना जाएगा, 76, कितना जा रहा है, 76 अंक जा रहा है। 76 अंक में कोई भी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आप चिंता ना करें। कोई भी डेट ऑफ बर्थ जनरल अगर है तो 76 नंबर में आ रहा है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ अगर है तो 72 ओबीसी में सिलेक्शन हो रहा है, इस बात को याद रखने की ज़रूरत है। अब ईडब्ल्यूएसटी कट ऑफ 66 जाने वाली है, और डेट ऑफ बर्थ जिसका कम है उसका 68 जाएगा, याद रखिएगा। कट ऑफ
थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं होने वाला है। 66 EWS, अगर डेट ऑफ बर्थ की बात आती है तो दो अंक और आप लेके चले, यानी 68 नंबर पे आपकी रिजल्ट आएगी। EBC 66 नंबर कट ऑफ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ वाले का 68 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ कम है उसकी सिलेक्शन 68 पे होगी। अब बात आती है SC कैटेगरी, SC 62 नंबर कट ऑफ जा रही है, जिसका ज़्यादा कम डेट ऑफ बर्थ होगा उसकी 64 जाएगी। अब आती है बात ST की, ST का कट ऑफ जाने वाला है 64, और जिसका डेट ऑफ बर्थ है उसका 66 जाने वाला है। तो आप सभी बिल्कुल समझ गए होंगे बात को। अब FFW की बात करते हैं, FF यानी फ्रीडम फाइटर, जो फ्रीडम फाइटर के कैंडिडेट है FFM का, मेल के लिए जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए बताते हैं कि वो उनका क्वालिफाई करेंगे तो उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब बात आती है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो फीमेल के लिए जो जनरल है, याद रखना जनरल कैंडिडेट 72 नंबर जा रहा है कट ऑफ 72, और फीमेल OBC 66, फीमेल OBC 66, हमें ऐसा लग रहा है 66 कट ऑफ 100% जा रहा है। अब बात करते हैं हम EBC और EWS। देखो लड़कियां जो EBC है और EWS है, तो मैं EWS में कंफर्म नहीं हूं, लेकिन 60 और 62, ठीक है, 60-62 नंबर कट ऑफ जाएगा। और EBC जो कैंडिडेट है EBC का, देखो मैं जिसको बोल रहा हूँ कंफर्म नहीं हूँ उस पर थोड़ा सा शक करना, क्योंकि 60-62 ये नहीं कि 64 हो जाएगा, 60 ही रहेगा 62 ही रहेगा, ये तो कंफर्म है 64 नहीं होगा। 60-62 में डाउट रहना, लेकिन 64 में डाउटफुल मत रहना। मैं बोला 60-62 यानी कि दोनों में से एक कट ऑफ रहेगा, ठीक है। और बात आती है EBC की, 62 100% 62 रहेगी लड़कियों का कट ऑफ EBC का। अब बात आती है SC की, 54 या 56, ST 60 नंबर, 58 या 60, 58 या 60 लड़कियों का ST में, और 54 या 56, 54 या 56 कट ऑफ जाएगी SC कैंडिडेट का, और जो क्वालिफाई करेगी FFW उसकी मेरिट बन जाएगी। तो आप ध्यान से सुन लिए होंगे, 72 जनरल फीमेल कैंडिडेट के लिए, 66 OBC, उसके बाद 62 नंबर EBC, 60-62 EWS, 60-62 दोनों में से कोई रह सकता है, उसके बाद आपका 58 या 60 ST और 54 या 56 SC कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए, और मेल का आप लोगों ने सुन लिया होगा। साथियों ये जो मैं कट ऑफ दिया हूँ सेम टू सेम मिला लेना, ये मैच करेगा, और बिल्कुल सटीक कट ऑफ मैं आपके सामने लाने का कोशिश किया हूँ। मैं अननेसरली वीडियो ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ इस पे 8415 पे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपको सटीक न्यूज़ पहुँचाऊँ। और मैं आपको मेरिट की डेट दिया हूँ 27 और 29, 29 तारीख के डेट में आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वीडियो इस सेरा का एक बार और आएगा और जबरदस्त वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा, आप चिंता ना करें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।